हेलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं, जब भी अपन कोई फ़ोटो ग्लॉसी पेपर पर निकालते हैं तो उसमें एक दिक्कत आती है, उसमें जो है ब्लैक इंक वो निकल जाती है। तो हम आपको बताऊंगा, लाइव प्रूफ कर बताऊंगा कि आप कैसे उस इंक कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करें। देखिए, पहले तो हम आपको बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या आती है। देखिए, एक फ़ोटो है, इसको मैं निकालूंगा, ग्लॉसी पेपर पर निकाल रहा हूँ। इसको मैं प्रिंट कमांड देता हूँ। अब देखिए, प्रिंट निकल रहा है। फोटो मैंने एक फोटो है, आपको बताऊंगा इसे निकाल के, और वो ग्लॉसी पेपर पे निकाल रहा है, पासपोर्ट साइज में रहेगा, और इसकी जो है ब्लैक इंक हाथ लगाने से निकल जाती है। ठीक है, देखिए प्रिंट आ रहा है मेरा। देखिए दोस्तों, ये प्रिंट निकल गया है। अब हम इसको बताते हैं क्या प्रॉब्लम आती है इसमें। जब भी आप इस पे हाथ रखते हैं, जो ब्लैक से आई है वो निकल जाती है। देखिए देखिए, पूरा फोटो धुंधला हो चुका है। ये प्रॉब्लम आती है आपको किसी भी कंपनी का प्रिंटर हो उनमें। इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। जब भी आप कोई फोटो को प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसमें एक फोटो देख लें कि फोटो की क्वालिटी क्या है, यानी पेपर टाइप क्या है। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है पेपर टाइप। इसे आपको याद रखना है, हमेशा HP फोटो पेपर। जब भी आप फोटो निकालें ग्लॉसी पेपर पर, तब आपको HP फोटो पेपर पर ही निकालना होगा। अब मैं आपको निकाल के बताता हूँ, यह प्रॉब्लम मेरी अब दूर हो चुकी है। मैं यहां से कमांड दे देता हूं। और देखिए प्रिंट आ रहा है मेरा निकल कर। देख दोस्तों, प्रिंट निकल आया है। आपको बताता हूँ अब क्या सुधार हुआ इसमें। इसको इसकी इंक नहीं जाती है। इस पर आप हाथ लगा के देख ले, यह इंक नहीं छोड़ता है। देख लीजिए, जबकि यह पुराना फोटो पुराने पहले वाला पेपर पहले वाला फोटो है जो इंक छोड़ रहा है। देख लीजिए, अब अपने जो नया प्रिंट निकाला है उसमें यह इंक नहीं छोड़ रहा है। आपको करना क्या है मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार और बता देता हूँ। जब भी आप प्रिंट में कमांड दें तो आपको यहाँ पर पेपर टाइप पर हमेशा HP फोटो पेपर पर क्लिक करना है। जनरली होता क्या है, डिफॉल्ट में प्लेन पेपर सिलेक्ट रहता है, आपको हमेशा HP फोटो पर ही क्लिक करना है और आपका जो है इंक निकलने की प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। अगर आपका वीडियो अच्छी लगी हो और आपका कोई समाधान हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों।